आंदोलन करना, इनकी जो कमियां हैं, इनकी जो बेईमानी और भ्रष्टाचार। लगता है भाई साहब सरकार बेईमान हो गई, भ्रष्टाचारी हो गई। वैसे भाई साहब इनसे मिलिए तो, जगत बहादुर नाम है, बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष है। बकायदा रिक्शे पर चाय पीते हुए आए थे, वो भी जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दे दिया एडीएम साहब को, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कह रहे अगर नहीं सुनेगा प्रशासन या सरकार तो लगातार आंदोलन करेंगे, नारेबाजी तक करेंगे। सुनिए जरा कि जिला बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जगत बहादुर सिंह क्या कह रहे हैं। कलेजा फटकर हाथ में आ जाएगा। मेरा ये आपको भी चाहिए प्रदर्शन है जिला बार संघ का। जब से रुदौली फैदाबाद में मिला दी गई है, तब से हम लोग उसको वापसी के लिए नमनम देते रहे। कार्रवाई हुई है और कुछ रुकी हुई है, उसके लिए हम करते हैं। ये मेरा एक जनरल जो बॉडी है हमारा, उसका निर्णय है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन मैं जो इधर आज कर रहा हूँ उसके साथ और डिमांड्स हैं। एक तो ये है कि वकीलों पर अत्याचार हो रहे हैं, वकीलों की FIR दर्ज नहीं हो रही। मुझे सुनना मिले, मैं 12 बजे रात तक मुझे जाना पड़ा, 1 बजे तक जागना पड़ता, फिर मैं सो नहीं पाया। मैं कहता हूं जिला प्रशासन से कि कोई भी एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट हो या कोई भी आदमी हो, कोई सूचना देने जाता है तो उसकी FIR दर्ज कराएं। अगर गलत है स्पंज कराएं, हम कहता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं। FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है? 156(3) में भीड़ लगती चली जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? उनको ये करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति, जब एडवोकेट की FIR दर्ज नहीं होगी तो आम आदमियों को क्या होगा, आप लोग बता सकते हो? पुलिस की क्या स्थिति है, देख रहे हो? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, थानों से लेकर के तहसीलों से लेकर ब्लॉक से लेकर के और यहाँ इनके यहाँ लेकर के चरम सीमा पे है। भैया जिला बार एसोसिएशन का बयान सुना आपने, लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने ही ढूंढ लिया है। वैसे भाई साहब इनके महारथी महामंत्री भी कम नहीं थे, उनका बयान सुनिए। नाम नरेंद्र कुमार वर्मा है, सुनिए क्या कह रहे हैं। जनपद में काफ़ी अधिवक्ता पीड़ित हैं और अधिवक्ताओं की जब FIR नहीं लिखी जाती है तब वो कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 156(3) में कोर्ट पे जाते हैं। हमारे जो न्यायिक अधिकारी हैं वो ऑर्डर करने को चाहते भी हैं, तो हमारा शासन प्रशासन जो एक लेखपाल संघ है, इसने एक प्रपत्र भेज करके शासन से DM के द्वारा DJ को भिजवाया गया कि जो है वकीलों की FIR 156(3) में न लिखी जाए। हम शासन के माध्यम से, इस अधिवक्ता के माध्यम से जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहते हैं, अगर हमारे वकील की FIR नहीं लिखेगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, चाहे इसके लिए अंतिम समय तक न्याय करना पड़े हमें।